नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर पकौड़ा अपने तरीके से, तो चलिए शुरू करती हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल 10-15 मिनट में बन जाने वाली। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वैसे ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनने वाला नाश्ता है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर पर ही मिल जाएंगे। और यहाँ मैं ले रही हूँ इस कप से 1 कप पनीर, जो कि मैंने घर पर ही बनाया है, और फिर इसे हाथों की मदद से क्रम्पल कर लिया है। और फिर यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून चावल का आटा, और ये 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच साबुत जीरा, नमक स्वाद के हिसाब से। इन सब को मैं अच्छे से हाथों की मदद से मिला लूँगी। ये बिल्कुल आटे के कंसिस्टेंसी का हो जाता है मिलाने के बाद। और फिर तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया, और उसी से मैंने अपने हाथों को ग्रीस करके इस तरह से थोड़ा सा ये मिक्सचर हाथों के बीच में मैं रोल करूंगी इस तरीके से। और फिर मैंने यहाँ पे ये काउंटर टॉप अच्छे से साफ कर लिया है, और मैं उस पर इसको रख के इस तरीके से रोल कर रही हूँ। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और बिल्कुल यूनिफॉर्मली मैं रोल कर रही हूँ इसको, कहीं ज़्यादा पतला कहीं ज़्यादा मोटा ऐसा नहीं। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर लेके इस तरह का रोल बनाते जाऊंगी। बहुत ही आसान नाश्ता है। वैसे तो आप चाहें तो बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने सिंपल रखा है। और फिर तेल गरम करके उसमें इस रोल किए हुए मिक्सचर को फ्राई करूंगी, डीप फ्राई। और मैं यहाँ गैस का फ्लेम तेज रखा है मैंने, हाई फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ। अगर आपका कढ़ाई ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप रोल्स को काट के कढ़ाई के डायमेंशन के हिसाब से रख सकती हैं, ताकि फ्राई करने में आसानी हो। और ये देखिए, ये फ्राई हो गया है। वेरी टेम्पटिंग एंड वेरी यमी टू ईट। इस तरह से सारे रोल्स को मैंने फ्राई कर लिया है, और अब इसे कैंची की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट लूँगी। इसे आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकती हैं, चाहे तो टिफ़िन में या फिर ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकती हैं, ठंडा भी उतना ही अच्छा लगता है। या फिर और भी छोटे छोटे टुकड़े काट कर इसे पुलाव या फिर इसका ग्रेवी बनाकर सब्जी में भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए, पनीर पकौड़ा बनके तैयार है मेरे स्टाइल से। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, निराशा नहीं होगी आपको। इसे गर्मा गर्म किसी भी चटनी या सॉस के साथ परोसिए, ये किसी भी गैदरिंग, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टीज की शान बन सकता है। और मैं आपको इसके अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ, ये इस तरीके से दिखता है अंदर से। और बारिश के मौसम में तो ये नाश्ता बिल्कुल एप्ट है, बहुत ही आसानी से बन जाता है और झटपट बन जाता है। इसे आप टूथपिक या फिर फोक के साथ प्रेजेंट कीजिए, ताकि लोगों को खाने में आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please do subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram and Facebook, जिसका link नीचे description box में दिया हुआ है. So you may kindly check it out. और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए bye.